हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा एनवायरनमेंट इकोलॉजी की करंट अफेयर से रिलेटेड। इसी सीरीज का दूसरा वीडियो है ये। कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, किसी ने कहा कि कुछ इमेजेस होनी चाहिए, तो आज मैंने कुछ नए तरीके से इसे बनाया है। कंटेंट ज़्यादा करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसलिए हमने इसे पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है। आज को भी हम लोग देखते हैं और काफ़ी कुछ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अच्छा कर सकें। स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज आती है जिसमें ऐसा न्यूज आया कि अगर जो हाउस होल्ड के डर्टी फ्यूल्स हैं, अगर उसे हम क्लीनर फ्यूल से बदल दें तो हम काफी लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। अब ये था क्या, इसमें यूपीएससी पॉइंट कैसे क्रिएट होते हैं या यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं? देखिए, न्यूज है, इंडिया कुड सेव 2,70,000 लाइफ्स अ ईयर बाई रिप्लेसिंग हाउसहोल्ड फ्यूल्स। तो हाउसहोल्ड फ्यूल्स डर्टी फ्यूल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ वुड, डंग, कोल, कैरोसिन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर जीएचजी गैसेस। तो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर क्लीनर फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम इसका यूज बढ़ाएं और वुड, डंग, कोल, केरोसिन इनका यूज कम करें, तो हर साल हम लोग 2,70,000 लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। अब देखिए, इसका फायदा क्या होगा समझते हैं। देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा बात करें तो डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल, जैसे कोई लकड़ी जला रहा है, कोयला जला रहा है, गोबर के उपले जला रहा है, तो उनसे बहुत सारे फाइन पर्टिकुलेट मैटर का इमिशन होता है। ये फाइन पर्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स और अदर सिस्टम्स के लिए भी डेंजरस होते हैं, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा के लिए, और ये बहुत सारे निमोनिया, लंग कैंसर और बहुत सारी डिजीजेस के कारण भी बन सकते हैं। तो अगर हम लोग एनी हाउ जो डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल्स हैं इसका प्रयोग रोक कर क्लीनर हाउस होल्ड फ्यूल्स को प्रमोट करते हैं, तो हम काफी हद तक एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, एज वेल एज हम लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के जीवन को भी बचा सकते हैं। एक और बात समझ लें, हाउस होल्ड फ्यूल्स आउटडोर एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है इंडिया में, एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में। ठीक है, देखिए यहां से समझिए। अब आपको एक होमवर्क अपने आप से करना है, ऑल तो हम लोग इसको लेटर वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे जब हम बेसिक्स पढ़ने पर आएंगे कि व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर या व्हाट इज पीएम, पीएम क्या है, इसको आपको डिस्कस करना है। लॉकडाउन के बाद राइटिंग पैड एंड एक्सेट्रा हम अरेंज कर लेंगे, तो उससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इसका जो पीडीएफ फाइल है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इन 2015 भारत में जो एनुअल एयर पॉल्यूशन लेवल था दैट वाज 55 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना था? 55 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और फाइन पर्टिकुलेट मैटर। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक क्यूब, एक मीटर का एक क्यूब बनाया जाए, यानी एक मीटर लंबा उसका क्यूब बनाया जाए, उसमें जितनी एयर आ सकती है उतने ग्राम एयर में 55 माइक्रोग्राम किस चीज का है, या उतने माइक्रोग्राम एयर में 55% माइक्रोग्राम पर्टिकुलेट मैटर का है। ये काफी ज्यादा अमाउंट है। आप समझे, दिल्ली में तो कंडीशन और भी वर्स्ट है। दिल्ली में पर क्यूबिक मीटर जो पीपीएम लेवल है दैट इज 3 PM, पर्टिकुलेट मैटर का लेवल है दैट इज 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मैटर मीटर, यानी एक क्यूब, एक मीटर का एक क्यूब हो उसमें जितना भी एयर है उसका 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आप देखिए, WHO या WHO की बात बात में पहले हम अपने यहां देखते हैं, NAAQ इंपॉर्टेंट है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कहता है कि जो लेवल होना चाहिए पॉल्यूशन का दैट शुड बी 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना होना चाहिए? मिनिमम 40। और दिल्ली में देखिए कितना है, 300, और 2015 में नेशनल एवरेज कितना था, 55 माइक्रोग्राम, राइट? अभी समझिए, अगर हम लोग, ये रिपोर्ट कहती है, अगर हम लोग एनी हाउ डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल को क्लीनर फ्यूल से चेंज कर देते हैं तो जो एयर पॉल्यूशन का लेवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 38 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा, यानी हमारा
पार्टिकुलेट मैटर के रेफरेंस में बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। WHO मानता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि ये लेवल कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, राइट। अब देखिए आगे, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। आप एलपीजी से रिलेटेड 2016 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं, बस आपको गैस करना है। तो इस प्रोग्राम में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें जो है गांवों में या गरीबों को गैस के कनेक्शन देने हैं, एलपीजी के सिलेंडर देने हैं और ये सारे काम करने हैं। खैर इसे देखते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को काफी अच्छा चलाया। 89% हाउसहोल्ड्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं एलपीजी गैस। 56.2% अप्रैल 2015 में लोग एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे थे, आज की डेट में कितना कर रहे हैं, 89% कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एरिया है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे और बन सकते हैं, आखिर पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छा एलपीजी कवरेज रेशियो क्या है। एलपीजी कवरेज रेशियो का मतलब है कि कितने हाउस होल्ड के पास एलपीजी कनेक्शन है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे अच्छा लेवल है, नॉर्दर्न स्टेट में 99.9% एलपीजी कवरेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। सदर्न स्टेट में 99.7% है, वाइल वेस्टर्न स्टेट में 81.9% है। इसके एक ऑर्डर तैयार कर लीजिएगा, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो कवरेज हैव लेस देन 80%, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जिन्हें नॉर्दर्न स्टेट कहेंगे, ऐसे कौन से हैं जिन्हें सदर्न कहेंगे, ऐसे कौन से हैं जिन्हें वेस्टर्न कहेंगे और कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न है। मैं एक ही कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई करूंगा आपको। आगे देखते हैं, द वर्स्ट अमंग मेजर स्टेट, किनकी स्थिति खराब है। तो झारखंड में एलपीजी कवरेज रेशियो काफी बुरी स्थिति है, केवल 65.4% लोग ही एलपीजी यूज कर रहे हैं। बिहार में 67 और उड़ीसा में 66.9। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एलपीजी कवरेज रेशियो कम कहां पे है, झारखंड में है सबसे कम। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें से। अब एलपीजी रेशियो बढ़ने से ही हम काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर गए, क्योंकि टॉपिक शुरू ही हुआ था ऐसे कि कैसे डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल को क्लीनर हाउस होल्ड फ्यूल से रिप्लेस करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो ग्लेशियर में ब्लैक बॉक्स होता है, सॉरी जो ग्लेशियर होते हैं दे एक्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। जैसे एरोप्लेन में आपने पढ़ा होगा, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है और वो लास्ट टाइम के पूरे एरोप्लेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, क्या नहीं हो रहा है, क्या बातें हो रही, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। अच्छा, आप बताना मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कि एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है, और तो पता होगा आपको सबको। खैर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर में जो जो ग्लेशियर होते हैं वो ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो देखिए, अगर आज की डेट में साइंटिस्ट पास्ट क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं, न्यूज नंबर टू है, सॉरी मैं यहाँ पे टॉपिक डालना भूल गया था, न्यूज नंबर टू है, इसको देखते हैं। तो जो पास्ट क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो सबसे अच्छे ऑप्शंस में, सबसे अच्छे ऑप्शंस में है ट्री रिंग्स रिकॉर्ड अर्थ क्लाइमेट। पेड़ों के अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं, पेड़ों को काटिए, एक हॉरिजेंटल सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमें कुछ रिंग्स मिलती हैं, वो हजारों सालों का रिकॉर्ड रखती हैं। अभी कैसे रखती हैं मैं बताता हूँ आपको। ट्रीज कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ क्लाइमेट, राइट। ये रिंग हमें बताती हैं कि हाउ ओल्ड द ट्रीज। ये आप सबको ये पॉइंट पता होगा कि पेड़ों में जो अंदर वलय बने रहते हैं, जो रिंग्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि पेड़ कितना पुराना है। और हर बार वो रिंग हमें ये भी बताती हैं कि किस साल का पैटर्न क्या रहा होगा, किस साल ज्यादा पानी बरसा होगा, कौन सा वेट ईयर रहा होगा, कौन सा ड्राई ईयर रहा होगा। अभी आप देखिए बहुत आसान है, काफी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमने किसी पेड़ को काटा तो उसमें हमें कलर दिखता है, एक दिखता है डार्क कलर की रिंग है, एक दिखता है लाइट कलर की रिंग है। तो वन लाइट रिंग प्लस वन डार्क रिंग इक्वल्स टू वन ईयर ऑफ ट्री लाइफ, राइट। इतना क्लियर, आगे देखें तो इस डायग्राम में भी हम आपको बताएंगे, इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। द लाइट रिंग रिप्रेजेंट वुड दैट ग्रीन अर्ली समर, जो लाइट रिंग है वो अर्ली समर में ग्रो हो रही है। तो हमने आपको बताया कि एक लाइट रिंग और एक डार्क रिंग
मिलकर बनाती है एक ईयर। देखिए, वन लाइट रिंग प्लस वन डार्क रिंग इक्वल टू वन ईयर ऑफ ट्री लाइफ। जो लाइट रिंग होती है, जैसे देखिए इसमें दो कलर दिख रहे हैं, लाइट रिंग होती है, अभी और जूम करके दिखाता हूँ। लाइट रिंग दिखाता है कि ऐसी लकड़ी जो अर्ली समर में हुई हो, अर्ली समर में फॉर्मेशन हुआ, और जो डार्क रिंग दिखाती है वो ये बताती है कि लेट समर में। देखिए, यही कलर और उसकी विड्थ, जो इसका कलर है और विड्थ, ये हमें बताता है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या क्लाइमेट हुआ। अब देखिए, ऐसी रिंग जो वेट ईयर, यानी जब पानी ज्यादा मिला होगा, जब मॉनसून अच्छा हुआ होगा, तो क्या हो जाएगी, बहुत वाइडर होगी, राइट। और अगर कोई रिंग थिनर है तो हम समझ सकते हैं उस साल पानी कम मिला होगा या उस साल पेड़ का फॉर्मेशन कम हुआ होगा। अब देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, पहली ईयर की ग्रोथ छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना। अब यहां पे देखो, ये देखो, ये वाली रिंग काफी चौड़ी है ना, तो काफी वाइडर रिंग है, तो आप इससे गेस कर सकते हो ये कैसा साल रहा होगा, बहुत मॉनसूनल ईयर रहा होगा, या मॉनसून अच्छा रहा होगा, या वेट ईयर रहा होगा। तो अब यहाँ से गिनते शुरू हो, एक साल दो साल ऐसे करते गिनते हो, तो भाई ये दसवां जो साल था यहाँ पे बहुत वेट ईयर था, पानी काफ़ी बरसा था। इसके जस्ट बाद देखा हमने बहुत पतली सी रिंग है, तो हमने गैस किया भैया यहाँ तो क्या रहा होगा, एक वेट ईयर रहा, सॉरी एक ड्राई ईयर रहा होगा, राइट। अब देखिए, अगर जो लाइट वाला पार्ट है वो दिखाता है कैसा, स्प्रिंग ग्रोथ को, और जो लेट जो सॉरी डार्क वाला जो पार्ट है वो क्या दिखाता है, लेट ग्रोथ को। तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे पेड़ों की रिंग हमें एज बताने के साथ साथ पूरे क्लाइमेट हिस्ट्री को भी बताता है, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा ऐसा जो एविडेंस है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो का रिंग जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, एक आइस कोर में पूरा रिकॉर्ड होता है कि हजारों सालों में क्लाइमेट में क्या चेंज हुआ। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आइस गिरेगी तो आज मैंने इस ईयर जो भी स्नोफॉल हुआ, इसमें जो भी वेजिटेशन हुआ, उसका कुछ हिस्सा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी स्नो के साथ प्रेस हो जा रहा है, धीरे धीरे करके लेयरिंग होती चली जा रही है और एक बहुत बड़ा सा स्नो का भंडार बनता चला जा रहा है। तो इसी से समझने की कोशिश करेगा, आइस शीट एंड ग्लेशियर नियर पोल्स formed from years and year of accumulating snowfalls। बिल्कुल, जो ये पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ बने एक दिन में तो बने, धीरे धीरे स्नो एक्यूमुलेट होके बनती चली गई है। ईच लेयर ऑफ आइस टेल्स स्टोरी, हर बार हमें ये, हर परत ये बताती है कि उस साल उस समय क्या हुआ होगा। ये आइस जो है वो होल्ड करके रखती है अपने साथ बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स को, ग्रीन हाउस गैसेस को, बहुत सारे एरोसोल्स को, डस्ट को, पॉलेंस को, सी सॉल्ट को, और तो इससे हर बार हम अगर एक वर्टिकल कट निकालते हैं, देखिए जैसे कि आप इसमें देखिए, जैसे कि इसने वर्टिकल कट निकाला हुआ, ये वर्टिकल कट, तो यहाँ पे हम देखें ऐसे लेयरिंग करेंगे तो हमें हर बार इसके अलग अलग कंपोजिशन मिलेंगे, तो हम इससे हम पास्ट पूरे पूरे एग्जामिनेशन को समझ सकते हैं कि पहले क्या रहा होगा और आज की डेट में कैसा है, राइट। चलिए हम अपने न्यूज नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज नंबर तीन के अंदर जियो इंजीनियरिंग थोड़ा सा वर्कआउट करेगा, जियो इंजीनियरिंग होता क्या है। तो अब हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे जियो इंजीनियरिंग से हम क्लाइमेट चेंज को डिफीट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में जियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा था, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जियो इंजीनियरिंग है क्या। जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड नंबर वन, मैनेजिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है उसको मैनेज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन दे रहा है, जियो। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड इंजीनियरिंग यू नो व्हाट इज, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या कहता है, SRM आता है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट आता है एंड ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट आता है। अब देखिए, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सन एनर्जी बैक इनटू, यानी जो भी सोलर इंसुलेशन है, जो भी सूरज की लाइट पृथ्वी तक आ रही है, उसके कुछ हिस्से को हम वापस रिफ्लेक्ट करा सकें। फायदा क्या होगा, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा एल्बिडो होगा उतना अर्थ का टेम्परेचर हम कंट्रोल कर पाएंगे। एल्बिडो क्या है, लास्ट वीडियो में जाकर देखिएगा। वैसे एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। अर्थ पर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन है किसका, किस चीज का, आइस और स्नो का, ठीक है। तो SRM की टेक्निक में हम वो टेक्निक यूज करते हैं कि कैसे हम सूरज की लाइट को
थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस में भेज सकते हैं। अगर हम उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, देखिए एसआरएम की टेक्निक में एल्बिडो एनहेंसमेंट, एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज द एल्बिडो पावर। कैसे? देखिए इसमें हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ क्लाउड और द लैंड सर्फेस। एनी हाउ हमें लैंड सर्फेस ऐसी बनानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रोड टार की बनती है, काले डामर की बनती है। अगर हम इसका कलर चेंज कर दें तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर रोड का कलर ऐसा कर दें कि इस पे पड़ने वाली लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो तो हो सकता हो कि एल्बिडो इंक्रीज हो, बिल्कुल होगा ही। इसी तरह अगर क्लाउड की रिफ्लेक्टिवनेस बढ़े तो एल्बिडो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए दूसरा हमारे पास तरीका है एसआरएम का, स्पेस रिफ्लेक्टर। कुछ ऐसे टेक्निक से हम सनलाइट के स्मॉल प्रोपोर्शन को अर्थ तक आने से ही रोक दें, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेस रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। तीसरा, ऐसे एरोसोल्स का यूज करना, ठीक है, एरोसोल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स का यूज करना कि वो अपर एटमॉस्फेयर में क्या करें, सनलाइट को रिफ्लेक्ट। आप जानते हैं डस्ट पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल इन एयर एक्ट एज एरोसोल्स, और हमारे बहुत सारा जो एल्बिडो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन भी है, डस्ट भी है। यानी जो सूरज की लाइट आ रही है वो डस्ट से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 2019 में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को देखिए, कहा कि अभी कुछ दिनों पहले साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे थे सर इस क्लाउड थिनिंग के बारे में, ठीक है, कि इसमें इंजेक्शन किया जाए ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बात हो रही थी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल। अब आप देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल के बारे में आपने पढ़ा, स्मॉल रिफ्लेक्टिव पार्टिकल इनटू एटमॉस्फेयर, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखिए अभी मैंने बताया अगर हम किसी भी तरह से एल्बिडो बढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है ऑब्जेक्टिव, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट क्यों है, टू कंट्रोल और टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जितना ज्यादा सूरज की रोशनी अर्थ पे नहीं आएगी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक और हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल टेक्निक के बारे में, कार्बन जियो इंजीनियरिंग का ही टाइप है। जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एनी हाउ हम अर्थ पर मौजूद ग्रीन हाउस को कंट्रोल करें या कम करें। जीजीआर टेक्निक एम टू डायरेक्टली रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए देयर आर फॉलोइंग विज एफॉरेस्टेशन, जितना ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे, बहुत जनरल आइडिया सबको पता है, ज्यादा से ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाते हैं, समुद्रों में बहुत सारे यूट्रोफिकेशन के आइडिया को प्रमोट करते हैं। एक शब्द आप लोग जरूर पढ़िएगा, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा भी होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है, लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल इसके करंट अफेयर्स को, जो इस साल 2020 और 2021 में भी इवन यूजफुल रहेंगे आपके लिए एग्जाम के लिए, राइट। तो बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चरिंग मेथड से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बियंट एयर कैप्चर, कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए, ऐसी मशीन बन भी चुकी हैं जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लें एटमॉस्फेयर से। ओशन फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अब इसे यही यूट्रोफिकेशन एग्जैक्टली। आपने देखा होगा अगर किसी झील में पानी बहकर जा रहा है तो वहां पे एल्गल ब्लूम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो अगर हम ओशियंस में कुछ जगहों पर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें तो वहां पे देखेंगे कि कार्बन की ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी कार्बन की ग्रोथ ज्यादा हुई है, राइट। तो दिस इज ओशन फर्टिलाइजर्स। अब कार्बन की ग्रोथ होगी तो अपने साथ होल्ड कर लेगा वो कार्बन को, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। इनहांस वेदरिंग एक और टेक्निक है जिसमें हम कुछ ऐसे मिनरल को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे जो किससे रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, राइट। तो दीज आर सम टेक्निक्स ऑफ जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल। फाइनली जीजीआर एंड एसआरएमआर नोन एज जियो इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया पॉइंट सबको, तो इतने टॉपिक पढ़ा, अगले वीडियो के साथ हम लोग जल्दी आएंगे।